अंदर तो बड़ा जबरदस्त सीन होने है। जाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। ये रमजान स्पेशल है, क्या बात है यार, जबरदस्त, बड़े जबरदस्त रेडी हुए हैं यार। आइस इस तरफ चने हैं और ये मेरा हला बटर चिकन है, तंदूरी चिकन। बड़े जबरदस्त मसाले लगे हुए हैं तंदूरी चिकन को। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बीएन व्लॉग्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरो खैरियत के साथ होंगे और मजे से होंगे। आप सब लोगों को मेरी तरफ से रमजान का बाबरकत महीना बहुत बहुत मुबारक हो। आज है पहली इफ्तारी कनाडा के अंदर, चलते हैं और ट्राई करते हैं चर्सी कढ़ाई एंड बारबेक्यू हाउस जो लोकेटेड है मिसिसागा में। तो हमेशा की तरह व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। रोजा अफ्तार होने में सिर्फ 20-22 मिनट रह गए हैं, हाईवे इतनी बिजी नहीं थी। चलते हैं चर्सी कढ़ाई के अंदर और देखते हैं क्या सूरत हाल। एम्बियंस है इसकी बड़े कमाल की, चेक करें फ्रंट, चेक करें चर्सी कढ़ाई एंड बारबेक्यू हाउस। अंदर तो बड़ा जबरदस्त सीन होना है। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई, कैसे हैं? जाहिद भाई यहाँ पर तो कढ़ाइयों में कढ़ाइयाँ तैयार हो रही हैं। इसका मतलब इफ्तार बफे फुल ऑफ कढ़ाइयों होगा, क्या बात है। खुशबू तो बड़ी जबरदस्त आ रही है, ऊपर से रोजा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा आज। और यहाँ पर फ्राई हो रही है फिश और इस तरफ निकल रहे हैं गर्मा गर्म नान। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इनके बफे के मेन्यू में कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले तो ये रायता और चटनियाँ वगैरह, उसके बाद ये रहे समोसे, समोसों के बाद बारी आती है फ्राई फिश की, ये रही इनकी कढ़ाइयाँ, इस तरफ चने हैं और ये मेरा हला बटर चिकन है, ये तंदूरी चिकन और कबाब, इस तरफ इनका वाइट पुलाव और बॉयल राइस, नान और गुलाब जामुन, खीर, फ्रूट चाट और यहाँ पर खजूरें, रूह अफजा का भी इंतजाम है। ओवरऑल यहाँ का जो बफे है ना वो बड़े कमाल का है। मुझे तो इनका ये जो चिकन पुलाव है ना जो इन्होंने नया इंट्रोड्यूस करवाया रमजान में, इसका टेस्ट बड़ा जबरदस्त है। और यहाँ की तो कढ़ाई तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, एक दफा यहाँ आओ और इसकी कढ़ाई को ट्राई करो, आपको पाकिस्तान की याद आ जाएगी। मीठे में खीर और गुलाब जामुन, अफ्तारी करके अब मैं आ चुका हूँ किचन में मस्जिद तरावियों के लिए। मैं आप लोगों को एक दफा जरूर रिकमेंड करूंगा कि चर्सी कढ़ाई बारबेक्यू का बफे जरूर ट्राई करना अफ्तार का, आप लोगों को मजा आ जाएगा। मस्जिद के बाहर लाइटें वगैरह लगाई हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तरावियों भी पढ़ ली हैं। तो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ मेरा आज का व्लॉग लगा होगा आप लोगों को अच्छा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल पे लाइक कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगले व्लॉग में।